जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, क्या यहाँ पे अनाउंसमेंट है, कंप्लीट जानकारी हम आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्य समाचार बड़ी खबरों के तहत आपको देने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं अनाउंसमेंट की, क्या अनाउंसमेंट यहाँ पे किए गए हैं। तो दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर किसानों का दोस्तों पूरा कर्जा माफ दोस्तों, एक एक करके यहाँ पे कंप्लीट दोस्तों जानकारी देंगे आपको। जो भी 5 योजनाएं हैं जो कि आपको आधार कार्ड धारकों को, यदि आप भारत के नागरिक हैं और आपके पास दोस्तों आधार कार्ड है तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। बहुत बेनिफिशियल यहाँ पे वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले बात करें हम किसान भाइयों की। देखिए किसानों का दोस्तों पूरा कर्जा यहाँ पे माफ किया जा चुका है। कि किस टाइप से दोस्तों आपको माफ करवाना है, यदि आपका कर्जा अभी तक माफ नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों एक दो राज्य ऐसा है जिसमें अभी तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया है। तो देखिए क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे आपको आवेदन करना है, कंप्लीट जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो सबसे पहले हम किसान भाइयों की ही बात करेंगे जिनका कर्जा माफ नहीं हुआ है, जिनके राज्य में अभी तक कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो दोस्तों एक एक करके सभी राज्यों में यहाँ पे कर्जा माफ होगा। अब जो भी राज्य रह गए दोस्तों, उन राज्य के कैंडिडेट को, उन राज्य के किसान भाइयों को कैसे यहाँ पे आवेदन करना है, चलिए उस चीज की बात करेंगे। और क्या कागजी प्रक्रिया है, उस चीज को हम सबसे पहले बताएंगे दोस्तों। कागजी प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो देखिए आधार कार्ड तो इसमें मस्ट है, आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। देखिए आधार कार्ड यदि आपके पास है तो कैसे आप आगे बढ़ाएंगे अपनी प्रक्रिया को, चलिए उस चीज को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड ले लेना है, उसके बाद में आपको वोटर कार्ड ले लेना है। यदि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो किसी भी टाइप का कोई पहचान पत्र चलेगा। देखिए उसके बाद में क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपके पास आपके खेत की खतौनी होनी चाहिए, आपकी ज़मीन की खतौनी होनी चाहिए कि किस किसान के पास दोस्तों कितनी ज़मीन है, ये चीज़ उस खतौनी में लिखी होती है। और देखिए वह खतौनी जो है अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी वह खतौनी आपको अपने तहसील से प्राप्त करनी है दोस्तों। इतने सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उनको दोस्तों एक फाइल क्रिएट करके दोस्तों आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पे जाके किसान कर्ज माफ़ी जो योजना चल रही है उसमें आपको दोस्तों आवेदन कर देना है, अपने नज़दीकी CSC सेंटर यानी जनसेवा केंद्र पर जाकर दोस्तों। गांव-गांव और शहर शहर में ये जनसेवा केंद्र खुलवाए गए हैं। ये इसीलिए खुलवाए गए हैं दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री जी नई नई योजना लेके आ रहे हैं उनके बारे में आपको लाभ मिल सके, ठीक है। यदि आपके पास कोई नज़दीकी CSC सेंटर नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना नाम दें दोस्तों, और नाम के साथ साथ आप किस राज्य किस जिले से हैं ये चीज़ भी हमको बताएं, जिससे कि दोस्तों हम आपकी लिस्ट बनाकर आगे पहुंचा सकें और आपको यहाँ पे लाभ दिलवा सकें। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों यहाँ पे आपसे हम कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दें, क्योंकि यदि आप परमिशन नहीं दोगे तो हम दोस्तों आपकी जानकारी को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हमें ये परमिशन दें जिससे हम आपकी लिस्ट को आगे प्रोवाइड कर सकें। और आपको दोस्तों जितने भी किसान भाई हैं इनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ, उनका कर्जा हम यहाँ पे माफ़ करवा सकें। बता दें दोस्तों आपकी जानकारी के लिए कि यह सब बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करना, कमेंट का मतलब क्या है कि नीचे आपको अपना नाम, अपने जिले का, अपने राज्य का नाम दे देना है, जिससे कि हम आपको यहाँ पे पूरा दोस्तों फायदा दिलवा सकें। अब देखिए बात करेंगे अगली योजना की। तो अगली योजना है दोस्तों एक परिवार एक नौकरी योजना। देखिए सबसे पहले यह योजना सिक्किम में चलाई गई थी, जिससे कि दोस्तों सिक्किम में जनता को बहुत बड़ा वहाँ पर लाभ हुआ। अब देखिए सिक्किम के बाद यह योजना पूरे भारतवर्ष में, पूरे हमारे भारत देश में दोस्तों लागू कर दी गई है। तो कैसे आप इस योजना का लाभ उठाएंगे, कहां पर आवेदन करेंगे, क्या आपकी कागजी प्रक्रिया रहेगी दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम यहां पे सारी कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले एक परिवार एक नौकरी योजना में दोस्तों आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पे आदमी नहीं होना चाहिए, जैसा कि दोस्तों बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी एक परिवार एक नौकरी योजना में कैसे आप लाभ लें, अभी तक आपको लाभ नहीं मिला है। तो यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे स्टेप देखिए मिस मत करना, जिससे कि आपको योजना का लाभ लेने में कोई दिक्कत आए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, जिससे कि दोस्तों वह सरकारी नौकरी पर कोई भी होगा तो आपको इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए आपके परिवार में कितने मेंबर्स हैं ये कैसे आप देखिए जानेंगे, जितने भी दोस्तों आपके यहाँ पे राशन कार्ड में मेंबर होंगे ना उतनी आपकी फैमिली मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी आपके भाई किसी सरकारी नौकरी पर हैं लेकिन आपके राशन कार्ड एकदम सेपरेट बना हुआ है, आपके राशन कार्ड में उनका नाम नहीं है, आपका आपकी वाइफ का आपके बच्चों का नाम है, तो समझ लिया आपके परिवार में यहाँ पे एक भी सरकारी नौकरी पर कैंडिडेट नहीं माना जाएगा, तो ठीक है। अब इसके बारे में देखिए यदि आपके परिवार में कोई नहीं है तो आगे क्या प्रोसेस है, चलिए उसकी बात करेंगे। देखिए दोस्तों आपने जितनी भी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, मान लीजिए आपने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी अच्छा आपका डिग्री डिप्लोमा है दोस्तों, उसी टाइप से आपको यहाँ पे जॉब दी जाएगी।
मान लीजिए आप 8वीं पास हैं तो आपको एक छोटी सी जॉब मिलेगी, छोटी सी नहीं लेकिन उसमें दोस्तों इनकम तो 25,000 से, देखिए केंद्र सरकार की कोई भी यहाँ पे सरकारी नौकरी हो उसमें 25,000 से प्लस ही रहता है मंथली, ठीक है, मंथली जो सैलरी होती है आपकी 25,000 प्लस ही होती है। तो मान लीजिए यदि आप 8वीं पढ़े हैं तो आप भी यहाँ पे 25,000 रुपये प्रति महीने की नौकरी पा सकते हैं, और यदि दोस्तों आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आप काफ़ी अच्छी यहाँ पे नौकरी पा सकते हैं। देखिए आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपना नाम बताएं दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दें जिससे हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकें और एक परिवार एक नौकरी योजना में आपको लाभ दिलवा सकें बाकी सब लोगों से पहले। तो देखिए अब यहाँ पे आपको CSC सेंटर पे जाके कैसे आवेदन करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपके आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़रूरी है क्योंकि राशन कार्ड से आपका पता पड़ेगा कितने फैमिली मेंबर हैं। तो देखिए यहाँ पे राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड यदि नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई भी आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, मान लीजिए आपने जिस स्कूल से पढ़ाई लिखाई की है उस स्कूल का पहचान पत्र होना चाहिए। मिनिमम एज दोस्तों यहाँ पे 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज जो आपकी 45 साल रखी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, आपने जितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लेके आपको यहाँ पे अपने नज़दीकी CSC सेंटर पे पहुँच जाना है, जिससे दोस्तों आपको वहाँ पे जाके आवेदन कर देना है। आवेदन बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा दोस्तों। और देखिए एक परिवार एक नौकरी योजना दोस्तों कैसे ऐसे ही कंप्लीट होगी पूरे भारतवर्ष में दोस्तों, यहाँ पे कोई आपको दुखी और यहाँ पे गरीब परिवार देखने को नहीं मिलेगा, उसी को ध्यान में रख के दोस्तों यह योजना चलाई गई है। अब देखिए बात करेंगे दोस्तों जिन लोगों को यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो या तो उन्होंने दोस्तों यहाँ पे आवेदन में कोई मिस्टेक की है और या फिर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिया है। जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जो भी आपको प्रक्रिया बताई है उसी तरह से आपको आवेदन कर देना है। नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना नाम, अपने राज्य, अपने ज़िले के नाम के साथ साथ आपने जो भी लास्ट में पढ़ाई की है दोस्तों वह हमें जानकारी ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करके परमिशन ज़रूर दें। देखिए लाइक करना, आपको अंगूठे से लाइक करना है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी उसका चार्ज नहीं होता है। ये जानकारी दोस्तों जनहित में जा रही है जिससे कि लोगों को यहाँ पे खुशहाली मिल सके, योजनाओं का लाभ मिल सके। काफ़ी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके बारे में जनता को पता नहीं पड़ पाता, योजनाएं जब खत्म हो जाती हैं दोस्तों तब जाके उन्हें पता पड़ता है, जिससे कि उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। अब देखिए भारत सरकार ने दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे बिजली बिल माफ़ करने की घोषणा की है। अब देखिए बिजली बिल माफ़ दोस्तों आपको कैसे करवाना है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। आपको अपना दोस्तों यहाँ पे देखिए आय प्रमाण पत्र यहाँ पे ज़रूरी है बिजली बिल माफ़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो छोटे लोग हैं जो ब्लू पॉवर्टी लाइन वाले हैं उनका यहाँ पे बिजली माफ़ किया गया है, ठीक है। तो देखिए आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड दोस्तों और आधार कार्ड, यह तीनों चीज़ लेके आपको अपना बिजली का बिल लेके अपने नज़दीकी CSC सेंटर से जाके आवेदन कर देना है, जिससे कि दोस्तों आपका बिजली का बिल जल्दी से जल्दी माफ़ हो जाएगा। यदि अभी तक माफ़ नहीं हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने राज्य, अपने ज़िले का नाम दें दोस्तों, और हमें ये परमिशन दें जिससे कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों किसी भी योजना का आप लाभ चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, और हमको ये परमिशन दीजिए वीडियो को लाइक करके कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकें। अब दोस्तों बात करते हैं चौथी योजना की। देखिए आधार कार्ड पर मिलेंगे 10-10 लाख रुपये दोस्तों यहाँ पर, और ये बिल्कुल भी ब्याज नहीं होगा इन पर, 1% का भी ब्याज नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, और आपको यहाँ आने वाले 10 सालों में यह पैसे वापस कर देने। पहले इसकी लिमिट जो है 5 साल रखी गई थी, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर बढ़ा के जनता की दोस्तों जैसी परेशानी सामने निकल के आई है कि 5 साल में पैसे वापस नहीं कर सकते, तो दोस्तों वहाँ पर 5 साल और बढ़ाकर यह 10 साल कर दी गई है इसकी लिमिट। तो देखिए आधार कार्ड पर आप कैसे पैसे लेंगे, तो यह पूरी कंप्लीट प्रक्रिया हम देखिए यहाँ पे आपको बताने वाले हैं दोस्तों, और इसके बाद में एक योजना की चर्चा हम और करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है, और वहाँ पे बिल्कुल भी फ्री है, उसके बारे में भी हम दोस्तों इसके बाद चर्चा करेंगे। तो देखिए आधार कार्ड पर 10 लाख रुपये का लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद में आपके वोटर कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड नहीं है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों इतने सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको अपना आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट और बनवा लेना है, ये आपको तहसील से मात्र 80 रुपये में बन जाएगा, और इसमें इनकम दोस्तों आपको कम से कम रखवानी है। अब देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद दोस्तों आपको एक प्रारूफ तैयार करना है कि आप जौन सा भी बिजनेस, जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं या जो भी आप अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं उसका एक प्रारूफ बना लेना है, और दोस्तों अपने नज़दीकी बैंक में जाकर वहाँ पर प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना के तहत आपको आवेदन कर देना है, जिससे कि दोस्तों आपको जल्द से जल्द यहाँ पे 10 लाख रुपए की मदद मिल सके और आप अपना रोजगार स्टार्ट करके दोस्तों अपने परिवार को खुशहाली में ला सकें, जिससे कि दोस्तों आपको आने वाली मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए और यहाँ पे आप अपना जीवन सुखमय बिता सकें।
तो देखिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के दिया है जो आधार कार्ड वाली योजना है यह चलाई गई है, जिससे आपको 10 लाख रुपये मिल जाए दोस्तों। यह बिल्कुल भी फ्री है, इन पर कोई चार्ज नहीं है, कोई ब्याज नहीं है, ठीक है। 10 साल में यह आपको वापस करने हैं। लेकिन यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपका लोन सेंक्शन नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि दोस्तों हम आपको यहाँ पर योजनाओं का लाभ दिलवा सकें और अपना नाम, अपने राज्य, अपने ज़िले का नाम, जो भी आपको दोस्तों प्रॉब्लम है वह नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कन्या विवाह के लिए जो अगली योजना है उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं दोस्तों। कन्या विवाह के लिए यहाँ पर 4 लाख रुपये प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जिसके यहाँ पर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना के आपको दिया था। तो यदि आपको उस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है तो नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम दोस्तों यहाँ पे लाभ दिलवा सकें। यदि आपकी कन्या 18 वर्ष से उनकी उम्र ज़्यादा है और आप उनकी शादी विवाह करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों केंद्र सरकार आपको यहाँ पे सीधे 4 लाख रुपये दोस्तों शादी के लिए प्रोवाइड कर रही है, और कन्या विवाह योजना यह जो है चलाई गई है दोस्तों। उसके बाद में एक स्कूटी योजना चल रही है, जिसके बारे में आपको शायद पता ही होगा। यदि आपको स्कूटी नहीं मिली है, आपके दोस्तों स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपके ऑफिस की डिस्टेंस आपके घर से 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो केंद्र सरकार यहाँ पे आपको फ्री स्कूटी दे रही है। तो देखिए उसके बारे में भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे क्या करना है, कंप्लीट प्रक्रिया हम बता चुके हैं, तो चैनल पे जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों। या यदि आपको एक नया वीडियो चाहिए इसके लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। आपको बहुत ही सिंपल है, यदि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दीजिए कि आपको इस योजना का लाभ दिलवाया जाए और आपका दोस्तों नाम पूरी लिस्ट में डालकर आपको आपका नाम आगे बढ़ाया जाए, जिससे आपको योजना का लाभ मिले सबसे पहले। अब दोस्तों जिन्होंने भी यहाँ पे देखिए परमिशन दे दी, हम उनकी लिस्ट आज ही आगे बढ़ा देंगे, जिससे कि उनको योजना का लाभ सबसे पहले मिलेगा। अब देखिए जिन्होंने भी यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको प्रेस करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी सभी लेटेस्ट अपडेट, सभी जानकारी दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दें कि हम आपके नाम दोस्तों आपकी लिस्ट में डालकर यहाँ पे आगे बढ़ा सकें, जिससे आपको योजना का लाभ मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट, किसी नई योजना, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।